उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में 3 वर्ष की नन्ही बालिका एकादशी शर्मा ने बाबा महाकाल के समक्ष शिव तांडव स्त्रोत का पाठ किया, जिसे सभी अचंभित हैं। इस बच्ची का यह वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। प्ले स्कूल में पढ़ने वाली यह बच्ची गर्भगृह में बाबा महाकाल के सामने खड़ी होकर शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करते हुए दिख रही है। यह नन्ही सी बालिका अभी सिर्फ 3.5 साल की है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही इस बालिका ने ना सिर्फ शिव तांडव स्त्रोत बल्कि महिषासुर मर्दिनी के मंत्रों को भी कंठस्थ कर लिया है। यह मंत्र जिन्हें याद करने के लिए बड़े बड़ों को लगातार अभ्यास और अनवरत इन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन यह बालिका बाबा महाकाल के पूजन अर्चन के साथ बड़ी आसानी और सरलता से इन मंत्रों का जाप कर रही है। विश्व विनोदिनी नंदनुते गिलिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णनुते भगवती शिति कंठ कुटुंबि पूरी कुटुंबिनी भूलि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी तन्न कपल दिनि शैल सुते भगवती है शीति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबि। ट्रेनिंग तो क्या घर के संस्कार और घर की जो परंपराएं बच्चे देखते आ रहे हैं, घर में पूजा पाठ का जो माहौल है वो देखते हुए इन लोगों ने बचपन से ही संस्कृत सीखना शुरू कर दिया, मंत्र उच्चारण वगैरह श्लोक वगैरह, जिसको मैंने शिव तांडव और एलगिरी नंदिनी दो तो कंठस्थ करवा ही दिए हैं। उसके अलावा इसके नाना जी के साथ दादा जी के साथ पूजा पाठ करती है तो सारे श्लोक वगैरह, और महाकालेश्वर मंदिर में भी जब जाती है तो श्लोक मंत्रोच्चारण वगैरह करती है। महाकालेश्वर मंदिर पुजारी बाला गुरु, इसके नाना जी भी पुजारी है, दादाजी भी पुजारी है। इसके दादाजी का नाम पुजारी विजय शंकर जी शर्मा, नाना जी पुजारी दिनेश गुरु जी, सब मंदिर में ही सेवा देते, महाकाल मंदिर में पुजारी वही संस्कार है। और उस मतलब सावन में भी जैसे जल दूध चढ़ाने जाती है तो मंत्रोच्चारण, बच्चों में जो भी संस्कार आते हैं वो भगवान भगवान की कृपा से आते हैं। हम लोग महाकालेश्वर के पुजारी हैं, पुजारी महाकालेश्वर मंदिर में जाते हैं, वहाँ के पूजन पाठ करते हैं, घर पे भी 2-4 घंटे पूजन पाठ करते हैं। उसी के तारतम्य में हमारे जो नाती है वो बाला गुरु की पुत्री है, उनके घर में भी पूजन पाठ दिन भर चलता रहता है, महाकालेश्वर जाते हैं और वही जो हम पूजन पाठ करते हैं।